डियर, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिफाइन द टर्म सॉल्वेंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्वेंट को डिफाइन करेंगे। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वो जूस जो ज्यादा मिकदार में मौजूद हो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्वेंट ऑलवेज डिसॉल्व सॉल्यूट्स इन ए सॉल्यूशन इफ मोर देन टू सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। वन सब्सटेंस एक्ट एज सॉल्वेंट एंड अदर बिहेव एज सॉल्यूट। फॉर एग्जाम्पल इन सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोका कोला, पेप्सी, ड्यूस, वाटर इज सॉल्वेंट व्हाइल अदर सब्सटेंसेस लाइक शुगर, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सॉल्यूट। सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूट्स को हल कर लेता है। किसी सॉल्यूशन में अगर दो से ज्यादा अशिया मौजूद हों तो एक शय सॉल्वेंट के तौर पर काम करती है। वो शय जो ज्यादा मिकदार में होगी वो सॉल्वेंट के तौर पर काम करेगी और दूसरी तमाम अशिया सॉल्यूट्स के तौर पर मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर सॉफ्ट ड्रिंक्स में पानी सॉल्वेंट है जबकि दूसरी तमाम अशिया यानी शुगर, साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है। जब हम बात करते हैं साल्ट सॉल्यूशन की, जब हम साल्ट को पानी में डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो साल्ट कम मिकदार में होता है। साल्ट काम करता है एज ए सॉल्यूट के और वाटर काम करता है एज ए सॉल्वेंट के। जब आप शुगर को वाटर में डिजॉल्व करके शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो शुगर कम मिकदार में होता है, इसलिए शुगर एज ए काम करता है सॉल्यूट के और वाटर एज ए काम करता है सॉल्वेंट के। तो एक सॉल्यूशन में जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है और जो चीज़ कम मिकदार में होती है उसे सॉल्यूट कहा जाता है।